तो अपन पहुंच चुके हैं सर करोल बाग, और करोल बाग में हम लगवाने थे सैडल स्टे। और सैडल स्टे पता कैसे हैं दिखाता हूं आपको। सो कुछ इस तरीके का अपन लगवाने वाले हैं बाइक पे। ये हमारा वाला है जो हम लगवाने वाले हैं, इसमें साइड में भी बैग लग जाएगा, उस साइड भी बैग लग जाएगा और पीछे भी लग जाएगा बैग। सो ये पाजी हैं, ये भी जा रहे हैं सिक्किम और उन्होंने भी अपनी बाइक में काम करवाया। ये रे पाजी, और इन्होंने अपनी बाइक की सीट भी ऊंची करवाई है और उसमें डनलप ज़्यादा डलवाया ताकि ज़्यादा कुशन रहे। प्लस ये बैग बनवाया इन्होंने और ये बैठने का पीछे का ऐसे ही कुछ अपना बनेगा। वेलकम बैक माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट हो रहा है, घर से 5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। इतना कंटेंट था हमारे पास इनगुन साहब से वापस लौटते समय और शिमला से वापस आते समय। और मैं आपको बताता हूँ, जेन्युइनली घर आके ना जो आराम मिलता वो कहीं नहीं मिल सकता। और मैं थैंकफुल हूँ, बहुत सारे नए लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमें नए नए व्यूअर्स मिल रहे हैं, कनाडा से लोग देख रहे हैं हमें, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं हमें, और 2-3 जगह और है, बांग्लादेश से देख रहे हैं, UAE से देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो नए लोग आए हैं, वेलकम एंड हार्डली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक को थोड़ा सा मॉडिफाई कराने, कैरियर लगवाने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि अब तो ट्रैवल कर चलता रहेगा अच्छा खासा, क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं वो ट्रैवल के थ्रू जुड़े हैं और ट्रैवल तो उन्हें देखना पसंद आ ही रहा होगा और ट्रैवल करना मेरा शौक भी है। सो मैं देख रहा था कि मतलब मैं 5 दिन नहीं था, 5 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, मैं बहुत बाकी ब्लॉगर्स को भी देख रहा था और कंटेंट था रेगुलर डाल रहा था, डेली ब्लॉगिंग तो रोकी नहीं मैंने। और मैंने कुछ लोगों को देखा, लोगों को राइड करने में दिक्कत आ रही थी लंबे लंबे टूर पे, हमें नहीं दिक्कत आई, हमने 10-10 घंटे लगातार बाइक चलाई, कोई दिक्कत नहीं आई, लगातार बाइक चलाई, कहीं पे भी नहीं रुके। और जेन्युइनली राइडर तो थे ही हम, हमें खुद पे भी इतना भरोसा नहीं था हम इतनी इजीली इतना लंबा टूर कर लेंगे, पर हमने कर लिया हिंडगुन साहब तक का भी। आपने शिमला की भी ट्रिप देखी ली होगी, शिमला की भी बहुत प्यारी ट्रिप थी। सो गाइज, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए हिंडगुन साहब का, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी, तो उस वीडियो को भी देखना जरूर। और चलते हैं आज कैरियर लगवाते हैं, देखना जरा कैसे काम होता है। सो यहाँ पर आ चुकी है अपनी बाइक, बाइक के पीछे कैरियर लगवाने हैं और थोड़ा बहुत काम कराना है बाइक में। और लेट मी टेल यू, बाइक ने बहुत साथ दिया, जितना थंडर दिया है उतना अपन को डिस्कवर नहीं किया है और ना ही पल्सर आर एस लिया। पल्सर आर एस तो आपको पता है हमेशा ख़राब ही रहती है मेरी, तो मेरी ये 3rd बाइक है जिसके साथ मैंने राइड करी थी और बेस्ट राइड रही है मेरी अभी तक की लाइफ की। और इतनी लंबी राइड तो मैंने खैर आज तक नहीं की थी और बहुत कंफर्टेबल गई है इसके साथ, बहुत इजीली गई है, कोई दिक्कत नहीं आई। चलते हैं ज़रा काम करवा देते हैं बाइक में, तो मज़ा आएगा आगे भी राइड करने में। और तो अपन निकल रहे हैं बाहर सोसाइटी के, जाना बहुत दूर है यहाँ से, करोल बाग जाना है खैर। और गर्मी बहुत है यार दिल्ली में, 5 दिन एसी के अंदर ही बैठा रहा हूँ, बाहर नहीं निकला हूँ बिल्कुल भी। और जो घर में मज़ा आ रहा था ना वो तो मैं बता ही नहीं सकता आपको, पर घूमने का मज़ा अलग है क्योंकि इस टाइम पे ही घूमने का मज़ा है। बाद में तो सर्दियाँ आ जाएंगी तो दिल्ली में भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन निकल चुके हैं करोल बाग वाली रोड पे सीधा सीधा। गर्मी 49 डिग्री है इस वक्त दिल्ली के अंदर, और इतनी गर्मी होने वजह से रोड बिल्कुल खाली मिल रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल रोड खाली है। तो दिल्ली का ही एक लौता इलाका है जहाँ पे ठंडी हवा चलती है, वहाँ पर भी गर्म हवा चल रही है इस वक्त, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं ना, तो यहाँ ठंडी हवा चलती रहती थी हमेशा। और टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ पर भी अभी लू की तरह हवा चल रही है और बहुत गर्म चटके लग रहे हैं। बस थोड़ा सा ही आगे रह गया है, करोल बाग पहुँचने वाले हैं और 4 किलोमीटर रह गया है जो। यहाँ तो इतनी गर्मी में भी क्या बोलूँ मैं, ट्रैफिक है यार, लोगों काम के चक्कर में निकलना ही पड़ता, मजबूरी तो है ही है।
तो अपन पहुंच चुके हैं सर करोल बाग, और करोल बाग में हम लगवाने आए थे सैडल स्टे। और सैडल स्टे पता कैसे हैं दिखाता हूं आपको। सो कुछ इस तरीके का अपन लगवाने वाले हैं बाइक पे। ये हमारा वाला है जो हम लगवाने वाले हैं, इसमें साइड में भी बैग लग जाएगा, उस साइड भी बैग लग जाएगा और पीछे भी लग जाएगा बैग। सो ये पाजी हैं, ये भी जा रहे हैं सिक्किम और उन्होंने भी अपनी बाइक में काम करवाया। ये रे पाजी, और इन्होंने अपनी बाइक की सीट भी ऊँची करवाई है और उसमें डनलप ज़्यादा डलवाया ताकि ज़्यादा कुशन रहे। प्लस ये बैग बनवाया उन्होंने और ये बैठने का पीछे का ऐसे ही कुछ अपना बनेगा यहाँ का। सो यहाँ पर अपने भाई ने काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर दिया है। रात के बज रहे हैं 9 और अभी भी काम चल रहा है, और मतलब कल और लगेगा क्योंकि इस पूरे पैनल पे पेंट होगा और ये सारा वेल्ड हो चुका है। अभी शेपिंग की जा रही है कस्टमाइज कि दिक्कत ना आए बैठने में पैडलर को, पीछे वाले को। पीछे बैक में एक रेस्ट भी लगेगा, बैक रेस्ट पीछे वाले के लिए, बंदे के लिए, और आराम से पीछे वाला आराम से बैठ सकता है। सो भाई ने निकाल दिया अभी इसे, इस पर होगी पाउडर कोटिंग। सो अभी इसके साइड के और लगेंगे यहाँ पे, आप ये देख सकते हो यहाँ और लगेंगे और, ठीक है। और ये हमें मिलेगा परसों, तो 2 दिन ऐसे ही रहेगा ये, उसके बाद हमें मिलेगा ये। और अभी हम बाइक ले जा रहे हैं तो परसों आके फिर लगवाएंगे, तो बाकी परसों आपको देखने को मिलेगा पूरा ये। ये जो लोकेशन थी वो थी करोल बाग के अंदर, और मैं लोकेशन डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना वहीं से। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, और घर की रोड ये वाली साइड ही बहुत ही ख़राब है यार, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फाइनली घर पहुंच गए। अब दिल्ली में ना यार थोड़े थोड़े से रास्ते, मतलब थोड़ा सा भी कहीं जाओ तो 1-2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं यार। सो हम लोगों को पूरा 1 घंटा लग गया वापस आने में, और दिल्ली में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, थोड़ा बहुत ही भी दूर जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो काफ़ी चीप था सैडल स्टे जो हम लोगों ने अभी बाइक पे लगवाया है। वैसे अगर आप नॉर्मल भी टॉप बॉक्स लगवाओगे अपनी बाइक पे तो 3,000 से नीचे आता नहीं है, और ये आपको 4,000 में लग जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। जिसमें आप साइड बैग्स भी लटका सकते हो आराम से बंजी कॉर्ड से बांध के, और बैक पे भी बैग रख सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक पुरानी से नहीं मिलाया जो हमारे घर में नया आया है इस वक्त। ओए ओए ओए, इसका नाम पता क्या है? थोर है, थोर मनी वगैरह नया डॉग है। ये भागता बहुत है पूरे घर में, और गेट खुल जाए तो सीधा घर के बाहर। सो थॉर की ब्रीड है, बॉक्सर, और बहुत नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा नॉटी। थॉरू थॉरू थॉर ए थॉरू, कहाँ भाग रहा तू, कहाँ भाग रहा तू थॉर, ए थॉर 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 थॉर। ओ भैया खाना है? खाना नहीं खाना, अबे खाना यार, रुक जा यार, जल्दी खाओ फिर खत्म कोई किचन। हां तो दे 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 दे, दाल चावल बनी है, पानी वाली हो जाएगा सामान। कहां भाग रहा थोर, थोर भाग कर रहा तू? बोलो, टॉयलेट कर दी घर के अंदर ही थोर ने। सो यही है नोटी प्राणी हमारे घर का नया, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ आ चुके दाल चावल और प्याज, और ये रे मनी भाई, और ये चल रही न्यूज़ भेजिए भाई साहब न्यूज़ के लिए, भाई से तो मिलना ही नहीं है। मार 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 सारे को, मार मार इसने। ए बदमाश, जिंदगी दांत काट दिए। ए बदमाश भाग जा, भाग ए थोरू, इसे कर दे लॉन्ग रूट पे, और सैडल स्टे ऐसी चीज है जो आजकल बहुत काम आ रही है, लॉन्ग रूट पे सभी लगवा रहे हैं। तो अगर आपको भी लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप जा सकते हो करोल बाग की लोकेशन पे आराम से, और नंबर भी डाल दूंगा जो ओनर है उनका। जो पूरा स्टैडल स्टे जो लगने वाला है वो परसों वाले वीडियो में मिल जाएगा, कल वाले में नहीं, क्योंकि कल नहीं मिलेगी गाड़ी, परसों वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक वाला बटन नीचे दबा देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा देना। और गाइस प्लीज़ यार, बहुत लोग चैनल देख रहे हैं आजकल लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस वक्त तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दो यार। मतलब वॉच टाइम मेरा बहुत तगड़ा आ रहा है इस वक्त और बहुत अच्छा चल रहा है चैनल, लेकिन बार बार कह रहा हूँ ना सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, bye bye, take care and